दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है। दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो देख करके आंगनबाड़ी बहनों जाना, यहाँ पर मुद्दा बहुत ही जरूरी है। 62 वर्ष की जो भी आंगनबाड़ी सहायिका मिनी बहने आप सब रिटायर हो रही हो, आपकी नौकरी जा रही है, ना ही सरकार पेंशन दे रही, ना ही कुछ, तो ऐसे में हम सब क्या करें। हमें लगता है आप सब अपने हक के लिए लड़ो। यहां पर ये देख लीजिए, हमने श्यामा बहन का आपको नंबर भी दे दिया है, आप चाहो तो हमारी बहन से बात कर सकती हो और उनसे अपनी राय ले लीजिए। आपको वो जो समझाएंगी बताएंगी, आपको अच्छा लगे तो आप वो करिए, क्योंकि हम चाहते हैं बिना लड़े कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और वैसे भी जो आंगनबाड़ी बहने आप वीडियो देख रही हो, 62 वर्ष की नहीं भी हो तब भी, आज नहीं तो कल आप भी रिटायर हो जाओगी। जो इनके साथ आज हो रहा है वो अगले साल आपके साथ होगा, वो दिन आएगा। और आप देख रहे हो हालात बढ़ते ही जा रहे हैं, सरकारें सत्ता में ऐसी बैठी हैं जो यहां पर हमारा हक ही हमें नहीं देती हैं, तो हमें अपना हक लेना होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। और कोर्ट को लेकर के भी ये नहीं है कि कोई भी आकर के खड़ा हो जाए, कह दे हम कोर्ट जा रहे हैं, पैसा दे दो और आप पैसा देना शुरू कर दो। इन्हीं कारणों को देखते हुए हमने आपको श्यामा बहन का ही नंबर दिया है, क्योंकि पैसों को लेकर के बहुत चिंताएं रहती हैं। पैसा कहां से आएगा, कौन जमा करेगा, क्या होगा, पता नहीं कौन यूनियन कोर्ट जाए, बहुत से लोग पैसों की वसूलियां चल रही, मुझे पता है आंगनबाड़ी बहनें मुझसे शिकायत करती रहती हैं, कोर्ट के नाम पर बहुत जगह पैसे मांगे भी जा रहे हैं। मैं नहीं जानता वो लोग आगे क्या करेंगे, पैसा ले जा करके उस पैसे पर नजर भी रखी जाएगी या नहीं, या आंगनबाड़ी बहनों का जो पैसा है उस पैसे को बहनों तक दिखाया भी जाएगा, कितना जमा हुआ, कहां खर्च हुआ, क्या हुआ, विद प्रूफ के साथ में कोई यूनियन देगा नहीं, बहुत मुश्किल से कोई देगा सो देगा। लेकिन यहां पर श्यामा बहन कोर्ट जा रही है, मैं आपको बता दूं एक एक पैसा, एक एक चवन्नी तक का हिसाब मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ में इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर आपको दिखाया जाएगा। जो भी आंगनबाड़ी बहने अपना सहयोग जो भी होगा आप देना चाहोगी, और जो भी अपने कोर्ट की लड़ाई को लेकर जो भी खर्चा आएगा, जो भी वकील की फीस रहेगी, कुछ भी होगा, जहां पर भी जो होगा वो देखा जाएगा। और हर एक चीज को ऑल इंडिया पर डेली लेकर के हम आएंगे जहां पर जो होगा, और उम्मीद है कि बहुत ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे स्टे लाने के लिए कोर्ट से, बहुत जल्द स्टे भी आ सकता है, क्योंकि जो बिंदु संख्याएं हैं वो सब तैयार कर ली गई है, फाइल पूरी तरीके से रेडी है और वकील वगैरह से भी बात की जा चुकी है। उनका भी कहना है कि आपकी जो मांगे हैं, जिस तरह से आपने लेटर लिखे हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, आप चाहो तो 8-10 दिन में स्टे वगैरह भी आ सकता है, तो हम क्यों ना एक बार प्रयास करें। हमारे पास ये देख लीजिए, ऐसे हमारी आंगनबाड़ी बहनें सैकड़ों की संख्या में डेली लेटर भेजती हैं, बेचारी 62 वर्ष वाली, हम इनको क्या जवाब दें, इनको हम बस ऐसे ही वो दे देते हैं भरोसा कि बहन क्या किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा 2012 में गिरीश कुमार पांडे जी के यूनियन ने भी रिट डाली थी याचिका, और वो खारिज वारिज हो गई होगी, अभी तक कोई फैसला नहीं आया, और 8-8 साल यदि बीत जाए और फैसला ना ला पाओ तो फिर इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कमियां हैं, कमियां नीतियों में थी, जिसके चलते आंगनबाड़ी बहनों ने देखो कोर्ट पर उम्मीद जता करके यूनियन पर भरोसा किया, यूनियन कोर्ट गया, 8 साल बीत गए, नतीजे नहीं निकले। जब नतीजे उनके द्वारा निकल नहीं पाए हैं तो आज अगर वो फिर कहें हम कोर्ट जा रहे हैं, पैसा लाओ, चंदा लाओ या कुछ भी एक्स वाई जेड, मुझे उससे मतलब नहीं है वो ले रहे हैं या नहीं, मैं ये नहीं कहता ले रहे हैं, कल को अगर मांगे, बहने तो बहुत कुछ कह रही है, सबूत मिले तो मैं आपको दिखाऊं। तो आपको ये भी कहना चाहूंगा, आपकी मर्जी, आप जिसका साथ देना चाहो, हम तो ये चाहते हैं आप ऐसे का साथ दो जो आप पैसा दो, मान लीजिए 10 रुपया 5 रुपया जो भी आप दो अपने हक के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए, कोर्ट जाने के लिए, और उसके बाद वो पैसा ऑल इंडिया पर भी आए, ऑल इंडिया भी देखे, एक एक आंगनबाड़ी बहन भी देखे पैसा कहां खर्च हो रहा है, कहां पर किसको कितना दिया गया है, तो नजर रखी जाए ताकि पता चले कि बहनों की हक की लड़ाई ही लड़ी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि चंदा वसूल करके अपनी अपनी जेब भर के बस बैठ गए, बहनों को झांसा देते रहे, अब कोर्ट में रिट पड़ी है, कोर्ट में रिट पड़ी है, और ऐसे साल पर साल बीत जाएंगे जैसे 8 साल बीत गए। तो मैं नहीं चाहता यह सब कुछ, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब आंगनबाड़ी बहनों अपनी स्वेच्छा से, मैं नहीं कहता आप जाओ श्यामा बहन से बात कर लो पैसा थमा दो, मैं ये नहीं कहता, आप इनसे बात करो, आपको वो राह बता देंगी। वो पैसा नहीं मांग रही है आपसे, मैं फिर बता दूं, गलत फहमियों का शिकार मत रहना, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। ये देखिए, जो भी इज्जतदार इंसान होता है उसको अपनी इज्जत की बहुत पड़ी होती है। जैसे मैं अपने आप को ही ले लूं, आप सबका इतना प्यार मिलता है, कल को मैं अपने पास यदि पैसा आप सबका एकत्र करके रख लूं, लोग तरह तरह के इल्जाम लगाएंगे, सुधांशु पटेल कभी जीवन में ऐसा कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं आपकी मदद कर दूंगा, आपको राह दिखा दूंगा, आपका पैसा जहां जमा हो रहा होगा मैं वहां से आपका एक एक पैसा लाकर के दिखा सकता हूं कि हां इतना इतना कलेक्ट हुआ है, और इन इन बहनों के नाम है। बकायदा मैं फिर कह रहा हूं, एक एक आंगनबाड़ी बहन जो जो अपना इस लड़ाई में भागीदारी करेगी, उनका नाम विद
पता पैसा सब कुछ चैनल पर आएगा कि इन्होंने इतना दिया है और उनका पैसा इतना इतना पूरा जमा हुआ, कहां कहां खर्च हुआ है। मैं ऐसे ही बातें नहीं करता, आप सब जानते हो, इसीलिए बहुत दिल पर पत्थर रख करके ये निर्णय लिया गया है कि कोर्ट वगैरह जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सब यूनियनों पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता जिन्होंने 8-8 साल गुजार दिए हो, कोर्ट में रेट उनकी पड़ी रही हो, नतीजे 0-0 आए हो, और उससे भी बढ़कर के अभी 1500 प्रोत्साहन को लेकर के 2 महीना हो चुका है, 1.5 महीना मैंने कहा था कि कोई भी यूनियन उत्तर प्रदेश का बताए 1500 में क्या चल रहा है, पता करे। किसी भी यूनियन का एक भी भाई बहन ने एक भी शब्द नहीं लिखा मुझे 1500 के बारे में, जानकारी नहीं इकट्ठा करके दे पाए, तो हमें भरोसा नहीं है बाकी सब पर, मैं साफ कह रहा हूं, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो जानकारियां इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, ऐसा मुझे लगता है। इस कारण, क्योंकि 1500 को लेकर के किसी ने आज तक 1.5 महीना में कुछ भी नहीं कहा, यदि कहा होता तो मैं चाहता कि हाँ भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं, सिर्फ सायमा बहन है जो जानती है 1500 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके अलावा यदि कोई है उत्तर प्रदेश में तो वो मैं हूं जो जानता हूं यहां पर कि क्या क्या हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और नतीजे नहीं निकल के आए, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि कोर्ट का जो मैटर है ये आगे आने वाले भविष्य में भी आंगनबाड़ी बहनों को दिक्कत देगा, आज इन बहनों के साथ में कल और भी होंगी, इसीलिए मैं चाहता हूं और सभी बहनें भी चाहती हैं, और जो जो आप सब चाहती हो तो साथ में जाओ, जरूरी नहीं है कि यहां पर कहा जा रहा है तो ये आदेश है, ये आदेश नहीं है, स्वेच्छा मर्जी आपकी है, हमारा समझाने का बताने का फर्ज है, क्योंकि हमारे यहां पर जो रहकर के आगे बढ़ रहा है, जहां पर मैं कह रहा हूं यहां से यदि कुछ होगा तो पल पल की अपडेट आपको मैं दूंगा, पल पल की मैं कह रहा हूं, और उम्मीद भी है कि हम लोग जीत करके भी आएंगे, क्योंकि नीयत जब अच्छी होती है तो भगवान भी देखता है, ये भी याद रखना, प्रयास यदि सही दिशा में होंगे तो सफलता जरूर मिलती है, और मुझे लगता है प्रयास सही दिशा में ही है, और बकायदा तैयारियां भी हो चुकी है, मैं जानता हूं सब कुछ क्या चल रहा है, बाकी भरोसा ऐसे ही टूटता है। 1500 को लेकर के काफी पोस्टें डाली, ग्रुपों में भी था, सब कुछ किया, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया, किसी ने बेकार के गड़े मुद्दे उखाड़ने को ले जाओ, आरोप लगाने को दे दो, सब आपस में लड़ने के लिए बैठ जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों की चर्चा करो, खूब मैसेज आएंगे, कमेंट करेंगे, दूसरे पर टिप्पणियां करेंगे, आंगनबाड़ी की समस्या को लेकर के यदि लिख दो कि गोरखपुर में अभी गोला में गोरखपुर के गोला में एक आंगनबाड़ी बहन की डेथ हुई थी, 50 लाख के बीमा कवर को लेकर के कोई जानकारी कहीं से भी नहीं निकली है, बाकी कामनी निगम बहन की बात कर लो खूब जानकारियां आई, अभी हमारी सहारनपुर में बहन की डेथ जो हुई है उसमें भी सायमा बहन की भूमिका रही है, साथ में और भी भाई बहन उनकी भी भूमिका रही है, तो उन सबको मैंने धन्यवाद दिया। देखिए मकसद यहां पर भी बहुत से लोग हैं अपनी अपनी छवि बनाने के लिए तमाम प्रयास करने लगते हैं, देखिए गंदी चीजें आप करो, अच्छा करो, अच्छी बात है, और उससे भी बढ़कर के आप प्रयास करो, बाकी इस नजरियों को मत देखना बाकी भाई बहन कि सायमा बहन का ही नंबर मैंने क्यों दिया, क्योंकि आप सब इतने लोग हो, मैंने इतनी पोस्टें की है, क्या किसी ने आज तक एक भी जानकारी सही सटीक हमको पहुंचाई है कि ये आगे होगा या ये ऐसा हो रहा है, यहां तक कि मानदेय को लेकर के भी मैंने 500 बार देखा, मानदेय पर सायमा बहन ने कहा दिवाली पर पैसा जो है, दिवाली पे नहीं सॉरी अभी क्या था आपका रक्षाबंधन के पहले पैसा डाल दिया जाएगा, पैसा डल गया, बजट नहीं था तब भी सायमा बहन ने फोन करके पता किया बजट नहीं है, और तभी उसके बाद बजट डाला गया, सब कुछ सही रहा, 1 तारीख को पैसा डल गया, 2-3 तारीख में तमाम यूनियन के भाई बहन क्या पोस्टें डाल रहे हैं, बड़े बड़े हैं, एक से एक बढ़कर वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा रक्षाबंधन तक किसी हालात में, जबकि पैसा पड़ चुका था, वो बात अलग थी कि यहाँ जो है टेक्निकल खराबियां थी, लेकिन पैसा डल गया था, खातों में लग गया था, वो बोल रहे थे पैसा आने वाला ही नहीं है, वो एक अलग मैटर है, बाकी बहन ने ये भी बता दिया कि जुलाई में भी पैसा अभी आएगा नहीं, जुलाई का पैसा अगस्त में आपको नहीं मिलेगा, कारण 62 वर्ष की भाई बहनों का जो रिटायरमेंट हो रहा है, इस पर वहां पर जानकारियां दी गई थी, मैंने आपको बताया, तो मैं कैसे कहूं 1500 को लेकर के भी उन्होंने जो जो बताया है वो 100 में 100% सत्य है, अब बताओ उस मुद्दे को लेकर के कोई उत्तर प्रदेश में यूनियन जब इतना नहीं जानता है कि क्यों 1500 का जो है प्रोत्साहन राशि नहीं मिली, आखिर वो कैसे मिलेगी, क्या क्या उसमें हुआ है, क्या क्या कुल किन किन लोगों ने खिलाए हैं, तो हम क्या क्या कहें, हम कैसे भरोसा करें कि आप अच्छे के लिए आंगनबाड़ी बहनों को लेकर के आगे कोर्ट जाओगे कुछ करोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं बाकी के जो यूनियन भाई बहन शांत बैठो, आराम से इंतजार करो, ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है इसमें फिलहाल के लिए जो हमेशा आप लोगों ने किया टांग खींचो पकड़ो नीचे करो ये वो काम गलत है, मत करिए, आंगनबाड़ी बहनों की जिंदगी का सवाल है, यहां पर जो बहन लड़ रही है आगे अब इनको लड़ने दीजिए, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लो, यदि नतीजे ना निकले तो आप लड़ लेना, अभी इंतजार कर लो, मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा कुछ समय, क्योंकि 8-8 साल तो आप सबने गुजारी दिए हैं, कोई निर्णय नहीं ला पाए, तो इस बार हम लोगों को मौका दीजिए, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इसमें शायद प्रयास सफल हो जाए, उम्मीद यही है, तो अभी मैं यही चाह रहा हूं आप सबसे, अगर चाहो तो
नंबर मैंने दे दिया, श्यामा बहन से बात कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। अब खबरों की तरफ हम बता दें, देखो वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा, ये हमारी बहनें हैं और भी उन्होंने लिखा है, देख लीजिए, ऐसे बैठक में बेचारी जाती हैं, रिटायर हो गई। अब एक और बात बता दें, बिहार में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की तरफ से लेटर्स काफी जारी है, मेरे पास बहुत सी बहनों के आए हैं और जो धरना वगैरह है, यानी जो मांगे थी 11 तारीख के समय शायद कुछ मीटिंग हुई थी ना सरकार के साथ में, कुछ बिंदुओं पर बताया जा रहा था कि सफल वार्ता हुई है, चर्चाएं शायद मान ली जाए, फिलहाल के लिए सरकार का रुख कुछ भी नहीं दिखा, यानी सकारात्मक नहीं दिखा है, मांगे कुछ नहीं मानी गई है, अब फिर से यूनियन हमारा धरने पर जा रहा है, ऐसी जानकारियां लेटरों में इसमें सब लिखी है। एक ये देवी देखिए और भी लेटर लिखा हुआ है, ऐसे ये एक और लेटर आया है, 17 सूत्री मांगों को लेकर के 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक बिहार में आंगनबाड़ी बहन जो है हमारी धरने पर फिर जा रही है, जो यहां पर आप देख लीजिए, क्योंकि हम सब पहले से जानते थे ऐसे सरकारें अगर आप मांगे लेकर के जाओगे कभी नहीं मानेंगी भाई, मांगो पर भी सोचो हम क्या मांग रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों आप कह रहे हो मुझे 5 लाख रिटायरमेंट पर दो, कोई कह रहा 10 लाख, कोई कह रहा है हमें 30,000 सैलरी दो, 22,000 सैलरी दो, ये सत्ता में बैठी सरकारें जो चवन्नी चवन्नी नहीं दे रहे, रिचार्ज का 100-100 रुपया नहीं दे रही है, ये क्या हमको इतना दे देंगी? रिटायरमेंट का फंड 5 लाख 10 लाख कह रहे हो, ये बहने आप खुद सोचो, जो यहां पर सरकारें 1500 नहीं दे पाई, 100-100, 200-200 नहीं देती हैं, इतना कैसे दे देंगी? मांगो उतना, पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन हक है हमारा, पेंशन के लिए आपको कहना चाहिए कि 50% जो निर्धारित है वो पेंशन मिले, सैलरी के अनुसार 50%, सैलरी हमारी है 4-5 हजार, उसका 50% मारो, शायद सरकार विचार करे उतना ही कम से कम मिल जाए, तो वो चीजों को साइड में रख करके लंबी लंबी भारी भरकम मांगे इन पर सरकारें विचार कभी नहीं करती हैं। ललन कुमार भाई हैं, उनका भी एक मैसेज आया है हड़ताल को लेकर के, प्रियंका देवी बहन है उनका भी मैसेज आया है, और बिहार में अरुण कुमार भाई हैं उनका भी मैसेज आया है कि हड़ताल अब शुरू होने जा रही है, 7 सितंबर तक चलेगी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन का एक और ये मैसेज आया है अमल देव के नाम से भाई हैं। अगला मैसेज है देखिए रीना बहन है बिहार से, वो भी लेटर आया है, यहां पर भी दोस्तों यहां पर हड़ताल वगैरह होने जा रही है, साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से एक और ये लेटर आया है, इसमें भी हड़ताल के विषय में लिखा है, ये भी एक लेटर देखिए हड़ताल के ही विषय में लिखा है। आगे ये राधा कुमारी बहन है, उन्होंने लिखा है भैया जी नमस्ते, स्पेशल बीएड और है और सब कुछ किए हैं, यानी मैंने स्पेशल बीएड 2 वर्षीय किया हुआ है और ECC न्यूट्रिशियन डिप्लोमा सब कुछ किए हैं, तो क्या इनको मास्टर ट्रेनर भी है, क्या इनको प्री प्राइमरी में कुछ लाभ मिलेगा? तो बहन मैंने बताया है लाभ मिलेगा, और जो जो आंकड़े हैं बस वीडियो देखा करो, जो बताता हूं उस पर फोकस करो, क्या है वो मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, तो दोबारा वही चीजें बताना ठीक नहीं होता है, फोकस करो हमारी बातों पर समझने के लिए। कर्नाटक में आंगनबाड़ी वैकेंसी बता रहे हैं निकली है हेल्पर और वर्कर की, गुजरात में भी वैकेंसी निकली, पता नहीं भाई कौन है, ये लिंक भेज दिए, अब किसी को जानकारी है यदि गुजरात और कर्नाटक में तो मुझे आदेश भेजिए, सरकारी आदेश, क्योंकि हमें उस पर भरोसा है। आगे बता दें अगला मैसेज देखिए बिहार राज्य आंगनबाड़ी की तरफ से एक और लेटर, इसमें भी बहने हमारी जो 31 अगस्त से हड़ताल पर जाने वाली है, ये जो मैसेज आया है सुपौल जिले से है आंगनबाड़ी बहन, उन्होंने मुझे भेजा है, और आगे बता दें ये देख लीजिए एक और मैसेज है अरुण कुमार पासवान भाई है, उन्होंने भी लिखा है मेरे प्यारे जो है प्यारे सुधांशु भाई सैस ने आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार के आह्वान पर 31 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक हड़ताल पर हमारे भाई लोग जा रहे हैं, 7 दिन की हड़ताल है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोगों कि जो है हड़ताल सफल हो, लेकिन ऐसी अंधी गूंगी बहरी सरकारों के सामने मुझे नहीं लगता 7 दिन की हड़ताल से कुछ होगा, 2-2, 3-3 महीने सरकारों के लिए कम पड़ जाते हैं, कभी मांगे नहीं मानते हैं, ये आप नतीजे सबने देखे हैं, झारखंड उदाहरण है, उत्तराखंड उदाहरण है, हर एक राज्य को ले लो, 500 जगह ऐसे हैं, मैं किस किस को कितना बताऊं। आगे देख लीजिए अगला मैसेज ये है हमारे पास एमए करने के लिए, जब मैं आदेश वगैरह लेने सुपरवाइजर के पास गए तो 1,000 रुपये मांगे हैं और मैं जो है नहीं दिया, तो ये उनका कहना है प्राइवेट वाले जो है प्राइवेट भी जो है करना है तो वो भी जो है मान्य होगा, प्राइवेट भी तो मान्य होगा, आप प्राइवेट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में आप सबको हमने वही बता रखा है, बाकी आपकी मर्जी बहनों, अपने कुछ निर्णय अपने आप भी लो, हमारा काम है जानकारी देना, ऐसे ऐसे अनुमति ली जाती है। अब देखो भ्रष्टाचारी यदि अधिकारी फैलाए हैं तो अधिकारियों की गलती है, आपसे मांग रहे हैं, यदि आपके पास सबूत होता और आपको इतनी हिम्मत होती कि आप उनके खिलाफ जा पाओ तब तो ठीक है, लेकिन खिलाफ जाओगे उल्टा कार्रवाई करवा देंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को अकेले रह करके नहीं लड़ सकते, इसके लिए एकता की जरूरत होगी। आगे बता दें अनीता बहन है, उनका भी मैसेज लगा है आजमगढ़ में, आप देख सकते हो यहां पर भी वजन मशीन को खरीदने के लिए बोला जा रहा है यहां पर आजमगढ़ जनपद में, कि यहां पर जो है निर्देशित किया जाता है कि एक जो है नियोटेन वगैरह नियोनेटल वगैरह लिखा हुआ है वजन मशीन है, उसको जो है यहां पर क्रय करवाया जाए, प्रधान जी वगैरह को निर्देशित किया जाए, आशा ग्राम प्रधान दोनों लोगों को इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है, तो उसके बारे में जानकारी आ रही है, अच्छी बात है अनीता बहन ने भेजा। अगला मैसेज ये देख लीजिए यहां पर भी आया है तेजवती बहन है, उनका है मैसेज। अगला एक ये देखिए राजकुमारी पटेल के नाम से बहन है, साथ ही बता दें अगला एक और मैसेज तुलसा देवी के नाम से बहन है। अगला एक और मैसेज आया, ये हमारी बहन लंबा चौड़ा लिखकर के भेजा है, मध्य प्रदेश से है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और हेलो भैया जी लिखा हुआ है, और ये उनका कुछ कहना है अलीराजपुर वगैरह जिले से है, वीडियो में चारों टाइम की वो हमारी बहन देखती है और शब्द वगैरह जो हम बोलते हैं उनको बहुत
अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उनका कहना है भैया जी चैनल पर मैं आना चाहती हूँ भैया जी, और यहाँ पर उनका कहना है भैया जी पूरा दिन मैंने कोशिश वगैरह की है तो मैंने आपका नंबर व्हाट्सएप पर ढूंढा है और हम बहुत वगैरह बहुत पता नहीं कुछ लिखा क्षेत्र के निवासी हैं, पर आपका चैनल जब मैं देखती हूँ तो मेरे को जो है बहुत जो है यानी बहुत खुशी मिलती है और मैं आपका आभार वगैरह किन शब्दों में करूँ वो भी मेरे लिए कम है क्योंकि आप सभी बहनों के लिए इतना मेहनत करते हो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। भैया जी मैं पहली बार आपके चैनल पर भेज रही हूँ, भैया जी माफ़ करना, ताकि मैं गुजराती वगैरह पढ़ी लिखी हूँ तो मेरे से कई शब्द वगैरह गलत हों तो माफ़ करना, हमेशा वगैरह साथ देते रहना भैया, आप ऐसा आप जो है आवाज वगैरह लगाते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है बहन, सोनम के नाम से लिखा हुआ है, स्वागत है। साथ ही बता दें अगला मैसेज ये देख लीजिए आया है, और सुधांशु भैया जी यूट्यूब में वीडियो वगैरह बनाया था उसी को देख करके हमारी बहन ने अपने केंद्र की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वगैरह को लेकर के भेजी है फोटो वगैरह। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, विमला बहन है उन्होंने भेजा है, अगला एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर, पद्मा द्विवेदी बहन है उन्होंने भी मुझे भेजा है, ये भी हमारी बहन है रिटायर बेचारी हो रही है, अब अभी भी घर घर कोसार बंटवाया जा रहा है, बहन इसको बंद कर दो या तो जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता या फिर करते रहो, मुझे तो उम्मीद ये है कि आप लोग अपने हक के लिए लड़ो तो ज्यादा अच्छा है, हम चाहते हैं कि हम जीत करके आए तो शायद उम्मीद की लहर आएगी आंगनबाड़ी बहनों में, और यदि गलत जगह आप जाओगी गलत के साथ में जाओगी नतीजे नहीं निकलेंगे जैसे 2012 में कोर्ट जाने पर नहीं निकले, इसीलिए मैं समझा रहा हूं कुछ करो सोच समझ के करो, पैसा वहां लगाओ जहां पर आपका पैसा सही जगह पर जाए, अन्यथा पैसा भी जाता है काम भी नहीं होता है। आगे बता दें अगला मैसेज देखिए, किरण के नाम से बहन है और नमस्ते सुधांशु भैया जी, पैसा जो है 400 रुपया जो फीडिंग के होंगे, किरण देवी अटासी, एक बहन पूछ रही थी ना कि 400 रुपया किस चीज का है, शायद हमारी गजला बहन थी या कोई और था, तो 400 रुपया फीडिंग का उनका कहना शायद हो सकते हैं। आगे सपना बहन है उनका आया है, डिस्ट्रिक्ट संभल वगैरह ब्लॉक से है और उनका भी स्वागत है। अगली बहन ये देखिए निर्मला बहन है, उनका भी चैनल पर स्वागत है। साथ ही बता दें एक और हमारे पास मैसेज आ, रेणु गुप्ता बहन है उन्होंने भेजा है, सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं को दी गई है विदाई अंबेडकर नगर में। भाई ये विदाई ये सिर्फ विदाई है, इसमें उनके बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं है, और यहां पर रिटायर नहीं होना चाहिए बहनों को, क्यों समाज सेविका है रिटायर कैसे कर सकते हो, और यदि कर्मचारी की श्रेणी में गिनती करते हो तो इनको फिर लाभ दीजिए ना कर्मचारी वाले, तो कर्मचारी वाले लाभ देने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कुछ करो। नेताओं के लिए पेंशन है, तमाम भत्ते हैं, आंगनबाड़ी बहनों हम सब भी लड़कर के ले सकते हैं। फतेहपुर वगैरह से आप देख लीजिए 62 वर्ष की जो बहनें हैं वो सब रिटायर हो रही हैं, 113 आंगनबाड़ी हैं, 97 सहायिका हैं, और देख लिख सकते हो यहां पर ऐसे, यहां पर अंबेडकर नगर में भी ऐसे ही है, 62 वर्ष की जो बहनें रिटायर हो रही हैं, यहां पर 17 आंगनबाड़ी हैं, 26 सहायिका बहनें हैं अंबेडकर नगर में। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, आंगनबाड़ी बहन है हमारी उन्होंने भेजा है, और देख सकते हो यहाँ पर इनके चेहरे पर उनका कहना है, देख लीजिए यहाँ पर भविष्य को लेकर के चिंता साफ दिखाई दे रही है। ये हमारी बहनें जो रिटायर हो रही हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहन ने भेजा है, वजीरगंज से हमारी बहन है, उन्होंने अपने वहाँ पर ये विदाई वगैरह की है हमारी बहनों की, तो इनके चेहरे पर चिंता भी आपको साफ दिखाई दे रही है, हमारी रिटायर हो रही हैं बहनें, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ जो भी बहनें रिटायर हो रही हैं आप लोग अपने हक के लिए लड़ो, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि हम यदि जीतेंगे तो थोड़ा साहस मिलेगा, तो आगे भी हम लोग अपने हक के लिए कुछ और भी लड़ पाएंगे, जैसे 1500 प्रोत्साहन उसमें बहुत लंबी लड़ाई है, मैं जानता हूं, सायमा बहन जानती हैं, बाकी उत्तर प्रदेश में आप सब जान रहे हो, आज तक किसी ने रिप्लाई नहीं किया मुझे, तो इसका मतलब अभी कोई नहीं जानता है। आगे बता दें ये देख लीजिए बहनों के चेहरे, ये काफी उदास है हमारी बहनें, क्योंकि पूरी जिंदगी तो इन्होंने मेहनत की है, आज खाली हाथ जा रही है। आगे देख लीजिए अगला मैसेज ये है, और हमारी बहन है उनका भी मैसेज आया है, और रैली वगैरह उन्होंने की है जागरूकता को लेकर के, बिहार से है। अगला एक और मैसेज ये देखिए, किसी ने फोटो भेजी है और बहन ने और नाम लिखा ही नहीं है। अगली एक और हमारे पास किरण बहन है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गुलाबबाग से पोषाहार वितरण किया है। अगली बहन है ये हमारी, 400 रुपया बच्चों को देख लीजिए बांट रही हैं, जो भी पोशाक की राशि है ना वो, हमारी कुमारी सोनी कुमारी बहन है, पंचायत वगैरह विशुनपुर वगैरह लिखा हुआ है, परियोजना चेहरा पड़ती है वहां से वैशाली बिहार में, बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। आगे देखिए बिहार से ये एक और लेटर था हमारे पास, ये भी आया है, और बिहार राज्य से, इसमें भी वही धरने को लेकर के बातें कही जा रही हैं। भैया जी नमस्ते, मैं अंबेडकर नगर वगैरह से ब्लॉक भियांदा भियाँ वगैरह कुछ लिखा हुआ है, माधुरी बहन है वहाँ से, ये उन्होंने भेजा है फोटो खींच करके अपने केंद्र की, तो जो भी था मैंने बताया। देखो अब कोर्ट को लेकर के जो जो जितना होगा मैं अगले अगले वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, आज थोड़ा उसमें ज़्यादा मैटर हो गया, कारण है मैं आपको भरोसा दिला दूं, मैं आपको बता दूं, देखो भरोसा अलग है, भरोसा तो है मैं जानता हूं, आप सबका प्यार आशीर्वाद है वो दिखता है, लेकिन यहां पर हम फिर कह दें पैसा मैं ये नहीं कहता आप किसी को दो, आप दो कम से कम वो पैसा आपकी नजरों में रहे, नजरों में ऑल इंडिया रखेगा, एक एक बहन का लिस्ट बकायदा नाम प्रूफ पैसे के साथ में यहाँ पर आएगा, पैसा कहाँ खर्च होगा उसका भी रिकॉर्ड आपको दिखाया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ जो प्रयास हो तो हमारा पैसा सही जगह पे जाए, हमारी बहनों का गलत जगह ना जाए, कि 2012 में रिट पड़ी 18 और 20 आ गया, 8 साल बीत गए, नतीजे 0/0 क्यों आए, कारण ये है आज तक वो रिट खारिज क्यों हो गई, फैसला क्यों नहीं आया, या तो उसमें बिंदुओं की कमियां थी, अच्छे तरीके से वहां पर रिट नहीं डाली गई होगी, कुछ ना कुछ होगा, या फिर उसका पूरा सिस्टम का नॉलेज ही नहीं होगा,
कुछ ना कुछ होगा। तो मैं आपको कह दूं, इस बार जो होगा वो वाकई में उम्मीदें बहुत हैं कि हम जीत करके ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगता है मुझे हम जीतेंगे। हम सब सही हैं और ऊपर वाला भी कोई चीज़ होता है जो हमें लगता है अब वो वक्त आ चुका है। बहनों, अपनी एकता को बनाओ और सही इंसान को पहचानो, क्योंकि बहुत हमने समझाया और दिखाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से, लेकिन वही चीज़ें हैं। बहुत सी बहनें किसी तरफ हैं, लेकिन आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपके, नंबर मैंने दे दिया है और हमारा भी नंबर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जो है मैं पिन कर दूंगा कमेंट में।